जॉय, पहले तुम इस बच्चे के शरीर से निकल जाओ। तुम्हारी वजह से इसकी जान को खतरा है। इसकी वजह से भूतनी की वाट लग गई। फादर, पप्पू मेरा फ्रेंड है, मैं इसे कुछ भी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। लगता है पापा मुझसे नाराज है, वो मुझे उस दिन बचाने भी नहीं आए। फादर, फादर ये क्या बात कर रहा है? फादर कुछ तो करिए। फादर ये कौन है? मैं इसे पसंद नहीं करती। ये मेरे पापा के साथ क्या कर रही है? मेरी माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ पुष्पांजलि है ना? हाँ फादर। अरे दोनों मुझे पका रहे हैं। जॉय समझा करो, तुम अभी अपनी माँ से नहीं मिल सकते। फादर मैं पापा से मिल ली, एक बार आप मेरी माँ से मिला दो, मैं किसी को तंग नहीं करूँगी, चुपचाप यहाँ से चली जाऊँ। जॉय मेरी बात मानो, पहले तुम इसके शरीर से निकल जाओ। आप सब लोग झूठ बोल रहे हो, अपनी माँ को देखे बिना नहीं जाऊँगी। ये सब क्या है फादर? कौन है ये जॉय और ये मुझे पापा क्यों कह रहा है? पहले आप ये बताइए कि मुझसे मिलने चर्च क्यों आए थे? वो मैं आपकी चर्च की प्रॉपर्टी में बने भूत बंगले के बारे में कहानी लिखना चाहता था, इसलिए आपसे। लगता है आपने वहाँ पे इन लोगों को डिस्टर्ब कर दिया, शायद यही कारण हो सकता है। नहीं फादर, हम लोग उस घर में तो नहीं गए थे। पप्पू उस घर में गया था क्या? मैंने ध्यान नहीं दिया। ये कैसे केयरलेस जवाब दे रही हो, ऐसे पप्पू का ख्याल रखोगी क्या? अरे इसके बारे में बाद में बात कर सकते, पहले बच्चे को बचाना है। फादर हम पप्पू को यहाँ से तुरंत लेके निकल जाएं क्या? आप लोग कहीं भी जाएं, लेकिन ये तो पप्पू के साथ ही जाएगी। आत्मा को किसी के शरीर में प्रवेश करने के लिए कुछ कारण तो होता ही है, लेकिन ये इसके शरीर में क्यों घुसी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पप्पू का शरीर मिलने के बाद उसको पुरानी बातें याद आ गई, ये समझ में आ रहा है। मैं अब ये सोच रहा हूँ कि उसकी इच्छा को पूरी कर दूं। अब मैं क्या करूं फादर? अबे तू तो सुपरमैन की तरह लटक रहा था। ए, तू इधर आ। मैं आ रहा हूँ राजा। ए, मजा यार। ए, बहुत पसंद करता है, मुझे बुला रहा है। आ गया, बोल मेरी यार। ए, उस दिन मेरी गुड़िया कहाँ रख के सोया था? कबोर्ड में रखा था यार। मुझसे झूठ बोलेगा? इसकी तो अब भूतनी से मार खिलवा रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए फादर? उसकी माँ भी मर चुकी है, ये बात जॉय को समझानी पड़ेगी। तुम और चार्ली एक जैसे दिखते हो, इसलिए तुमको पापा समझती है, उसे ऐसे ही रहने देना। फादर सच में उसकी माँ मर गई है क्या? कोकोनट कोकोनट कहाँ गिरा कहाँ पड़ा, कोकोनट कोकोनट गिरा पड़ा कहाँ गिरा। अरे यार ये मंत्र है यार, अगर इसे पढ़े तो कोई भी बुरी शक्ति हमारे पास नहीं आएगी, इसलिए से मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तो हम उसके साथ चलते। चल क्यों बे, वो लोग क्या बिग बॉस के घर पे जा रहे हैं, मैं उनके साथ जाऊँ? भूत देखने गए, चुपचाप बैठे रहे। जाओ जाओ जाओ। जॉय ये तुम्हारी माँ की कब्र है। मैं कैसे मानूं? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। आप झूठ बोल रहे हो। ए, फादर झूठ बोलते हैं क्या? जीवा अब तो भरोसा करेगा ना? ये कोई और भी तो हो सकती है, खोद के दिखाओ। खोदने के बाद चली जाओगी ना? जीवा रुक जाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जीवा रुक जाओ, फादर मना कर रहे हैं ना। ए, क्या बात कर रही हो, पप्पू की हालत देख रही हो ना? पप्पू, अरे मैं आपको कह रहा हूँ ना, वापस नहीं चलते, वहाँ पक जाएंगे। यहाँ पे तो हम लोगों को कम पका रहा है। हेलो सर। जीवानंदन, मैंने तुम्हारी स्टोरी एक हीरो को सुनाई थी, 27 तारीख को अपनी स्टोरी सुनने के लिए आ रहा है, स्क्रिप्ट तो रेडी है ना? फर्स्ट हाफ खत्म हो गया सर। क्या कह रहा है ये? ओके जीवा, तुम 27 तारीख के मॉर्निंग ऑफिस में आ जाओ, आगे की बात उसके सामने करेंगे। ओके सर। सर मैं आपसे एक खास बात करना चाहता था। अरे मुझे पता है, खर्च के लिए पैसे चाहिए, इवनिंग में 30,000 रुपए तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा। वो बात नहीं सर। मुझे एक फोन आ रहा है, हम लोग बाद में बात करेंगे। ओके सर।
अबे जीवा क्या तू उसके सामने फेंक रहा था? कब तूने फर्स्ट हाफ खत्म किया? मैंने सब सोच लिया। तो सेकंड हाफ घर पे सोचना चल। नहीं यार, यहाँ कुछ तो गलत है। उस घर के बारे में बिना जाने मैं स्क्रिप्ट नहीं लिख पाऊंगा। हाँ जीवा, तुम एकदम सही कह रहे हो। हम दूसरे होटल में शिफ्ट कर जाते हैं। हाँ सही कह रही हो, हम पांच लोग भी यहाँ पर मर गए ये बोल के स्क्रिप्ट खत्म कर देते हैं। ए, चर्च का फादर तो जिंदा है ना, बाकी कहानी उनसे पूछ लेते हैं। वो फादर हमारी स्क्रिप्ट में मदद नहीं करेंगे। तो हमेशा की तरह चाय की दुकान पर बैठकर लिखेंगे यार। ए, तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं तो पूरी स्क्रिप्ट लिखकर ही आऊंगा। अरे जीवा, कल जो हुआ था वो सब तुझे याद नहीं है क्या? तुम लोग पप्पू को भी अपने साथ ले जाओ, मैं इनके साथ रुकूंगी। किसको? उसको किसी ट्रक या टेम्पो में भेज दो, मैं नहीं ले जाऊंगा। ए, आवाज नीचे कर, उसने सुन लिया तो डर जाएगा। ठीक है, तुम लोगों की बहुत स्टोरी सुन लिया, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। अरे जल्दबाजी मत कर। मैं रोज भूत के हाथ से मार नहीं खाऊंगा, चलना तो चल नहीं तो यही मर। अरे रुक दोस्त, एक बात बताऊं तुझे, ये स्क्रिप्ट फिल्म हम कभी भी बना सकते हैं, ये तुझे समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी फैमिली को रिस्क में डालना ये गलत बात है यार। अरे इनकी बॉडी का टेम्परेचर तो ठंडा है लेकिन बॉडी पे कोई असर नहीं है। मेरी बात मानो, इनका ब्लड टेस्ट करा लो। ठीक है डॉक्टर, ब्लड टेस्ट कर लीजिए। नमस्ते नेताजी। नमस्ते नेताजी। नमस्ते नेताजी। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। तुम लोग यहीं रुको। उसको बहुत समझाया फिर भी गलती करता है। डीएसपी से बात किया क्या? कर लिया भाई, उसने बोला यहीं रहने दो। ठीक है, ठीक है, बैठे रहो। अब तेरा हाथ कैसा है? ठीक है भैया, छोटा सा मैटर था, बिना काम के यहाँ लेके। भाई तू आराम करना, नेताजी की बात सुन। अगर अभी तू बाहर निकला तो तुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, चलेगा क्या? तुझे बैनर रख के वहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए था, पर तूने क्या किया? पुलिस पे हाथ डालेगा तो यही होगा। कब तक यहाँ रहूंगा भाई, डिस्चार्ज करवा देते तो। मैंने लॉयर से बात कर ली है, उसने कहा चुपचाप हॉस्पिटल में पड़े रहने दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है भाई। आप सब लोग ठीक? हाँ है ना भैया। चश्मा निकाल दो। वो क्यों यार? वहां पे एक लड़की बैठी दिख रही है ना, तू ऐसे क्यों घूर रहा है बे? नहीं अच्छे से देख रहा हूँ, दिख रही है यार, क्यों? ऐसा है, हो सकता है ये लड़की भी भूतनी हो। मैं इस लड़की को क्यों पसंद करता हूँ जानता है? क्यों बता? क्योंकि ये खेलेगा सिर्फ लड़कियों के साथ, चाहे भले ही वो भूतनी क्यों ना हो। हाँ, सही कह रहा है। क्या यार, ये बुढ़िया हेडफोन में गाना सुन रही क्या? अबे वो मफलर है। मैंने टैबलेट दे दिया है, डिनर के बाद आप इन्हें दे दीजिएगा। थैंक यू सिस्टर। ठीक है यार, अब तुम लोग निकलो। तो फिर तुम लोग? जैकलिन के ठीक होने के बाद कल हम भी निकल जाएंगे। मैं क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग भी जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना प्लीज, समझ गया ना? ठीक है यार, तुम लोगों की थोड़ी मदद चाहिए। कैसी मदद चाहिए, टेल मी। अंदर जाएंगे तो वापस आ पाएंगे क्या? पांडा, ऊपर जाने से मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो? उसको मदद करने के लिए बोल के हमने गलत कर दिया, अब लगता फंस गए यार। इससे पहले फ्रेंडशिप कट कर देनी चाहिए थी। खैर वो सब छोड़, सिर्फ टैबी तो लाना है ना। मेरे पास एक आइडिया आया है। ये टाइम पे लकड़ी से क्या खेल रहा है तू? खेल खेल रहा हूँ। ये सिंबल है। गुड आइडिया। गुड मॉर्निंग जीसस। सुबह का नमस्कार जीसस। दिस हाउस बैड हाउस। ये घर पापी आत्माओं का घर है। दिस हाउस नो मैन ओनली वन इविल डेड। इस घर में पापों से भरी आत्मा रहती है। आई ब्लड बाथ यू। ये खून से आपके पांव धोएगा। किसके खून से उनका पैर धोएगा पागल? जीसस। प्रभु। ए तू क्यों चिल्ला रहा है? ए भूत को हम डराएंगे तो वो होशियार हो जाएंगे। हमें थोड़ा साहस दिखाना होगा, तू बस मेरे साथ रहे, वो लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते। हाँ तो चल, चल आजा, आजा, आजा। चल चल अंदर चल चल। अबे तेरी पैंट गीली कैसे हो गई यार? डर के हमारे अंदर ही हो गई यार। पांडा कमरे में आ तो गए, मुझे भूत की याद आ रही है। मुझे तो लग रहा है तेरी भी फोटो यहाँ पर टंगने वाली। फिर मजाक ऐसे सिचुएशन में भी मजाक। ए टैप कहाँ पे दिख रहा है क्या? लगता है उस कमरे में होगा। जा लेके आ, जाना। इतना धीरे धीरे क्यों जा रहा है? डरपोक कहीं का, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
ए! क्या हुआ? धीरे से खोल यार। पांडा हाँ। इसमें तो नहीं है? नहीं है हाँ। फिर चल चलेंगे। ए, हाँ? शायद उसमें होगा, चल देखते हैं। तो चल अंदर देखते हैं। आजा। ओ गॉड जीजा, ओ गॉड गॉड। ए, वो कहीं से भी एंट्री ले सकता है यार। हाँ यार, लगता है कोई आ गया है। कोई आया है क्या? इसमें है। अरे गुड़िया, जल्दी करना यार। हाँ मिल गया, मिल गया। हाँ चल चल, निकलते हैं जल्दी चल। हाँ ईश्वर बचाओ। क्या साहब जी, आप लोग बिना बताए चले गए? तुम इस घर में कितने सालों से रहती हो? 10 साल से साहब जी। 10 साल से भूतनी को खाना पका के खिला रही है। तुझे बोल के जाऊं, तुझे मार के जाऊं। हाँ, चल चल बे। चल चल, चल।